अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज जो नए मेथड हैं ईएमएफ पैदा करने के, दो कल पढ़े थे, तीसरा आज स्टार्ट करना है। ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, ईएमएफ कॉइल का एरिया तब्दील करने की वजह से। इस शक्ल में अगर आप देखें तो ये क्रॉस लगे हुए हैं, इट मीन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रहा है और आपका साउथ पोल बुक के नीचे नॉर्थ ऊपर है, और इसके अंदर ये एक कॉयल है और उसके साथ ग्लोनोमीटर लगा है। फिगर शो नो करंट इज़ इंड्यूस्ड इन द कॉयल व्हेन कॉयल हैविंग कांस्टेंट एरिया इज़ प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। पहली पिक्चर आपको दिखा रही है कि ग्लोनोमीटर की सुई ज़ीरो पे है, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा कॉयल में, जब आप कॉयल का एरिया कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। इफ़ वी स्टार्ट टू रिड्यूस एरिया ऑफ कॉयल इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इंड्यूस डी एम एफ इज़ प्रोड्यूस, कि अगर हम किसी तरह से इसका एरिया रिड्यूस या इंक्रीज़ करें तो ईएमएफ कॉइल में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। सो करंट अपीयर, और ये करंट अपीयर होगा जिसको बी पिक्चर में ग्लोनोमीटर की सुई शो कर रही है। फॉर डिक्रीजिंग एरिया, एरिया को डिक्रीज़ करने के लिए करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड फॉर इंड्यूस इंक्रीजिंग एरिया करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। कॉइल को अगर आप एरिया इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो मुखालिफ सिमतों में करंट बहेगा। एंड इंड्यूस करंट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ कांस्टेंट एरिया व्हिच इज़ रोटेटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। अगर आप इसी कॉइल को घुमा दें मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर भी कहते हैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, और कॉइल में से फ्लक्स अपनी रोटेशन के दौरान चेंज होता है। कंसिडर टू कॉइल पी एंड एस। आगे चौथा मेथड है ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, कि इसमें आप दो कॉइल फर्ज कर लें, एक पी प्राइमरी और एस सेकेंडरी, आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब रखी हुई हैं। द कॉइल पी इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी एंड अ रियो स्टेट एंड अ स्विच। कॉइल पी सीरीज में लगी हुई है बैटरी, रियो स्टेट और स्विच के साथ, और सेकेंडरी कॉइल एस जो है ये कनेक्टेड है ग्लोनोमीटर के साथ। ये नेक्स्ट पेज पे आपको इसके डायग्राम नज़र आ रही है। ये प्राइमरी है, रियो स्टेट, स्विच और बैटरी, और सेकेंडरी में ग्लोनोमीटर लगा हुआ है। इफ़ स्विच इज़ क्लोज, अगर आप स्विच क्लोज कर दें, द करंट इन द कॉइल पी राइज फ्राम ज़ीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप स्विच बंद कर दें तो कॉइल में करंट ज़ीरो से बढ़ के अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है। दिस प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन द कॉइल एस, इससे कॉइल एस में इंड्यूस करंट पैदा होता है इन वन डायरेक्शन किसी एक सिमत में। द ग्लोनोमीटर इन द फिगर बी, द ग्लोनोमीटर शो ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ग्लोनोमीटर जो है आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन देता है। वन स्टेडी करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द कॉइल पी, जब स्टेडी करंट कॉइल में से बहना शुरू करता है। वैन स्विच इज़ ओपन, द करंट इन द कॉइल पी डिक्रीज फ्राम मैक्सिमम टू ज़ीरो, जब आप स्विच ओपन कर देते हैं तो कॉइल इसमें करंट मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाते हैं। ड्यू टू चेंज इन करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पी डिक्रीज, जब आप करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल पी के साथ अटैच होता है, लिंक होता है, वो डिक्रीज़ होता है। द डिक्रीजिंग फ्लक्स आल्सो पास थ्रू एस, यही डिक्रीज़ करता हुआ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में से भी गुजरता है फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, विच प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिससे इंड्यूस करंट मुखालिफ सिमत में पैदा होता है। और आगे पांचवा है, कंसीडर अ कॉइल इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक कॉइल है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर रखी हुई है, और बोथ कॉइल एंड मैग्नेट आर स्टेशनरी, दोनों कॉइल और मैग्नेट साकिन हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज़ चेंज बाई चेंजिंग करंट, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर जो तार लपेटी उसमें से करंट चेंज करें तो उससे फिर उसकी ईएमएफ चेंज होती है, अपना मैग्नेटिज्म चेंज होती है, एंड इंड्यूस करंट इज़ प्रोड्यूस इन द कॉइल, और कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता है। ठीक है जनाब, ये ख़त्म हो गया मेथड, कल मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। ओके।